हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे, आशा करते सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी बिली लाइव यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, आज सोनी ना भिंडी बनाने जा रही है, वो भी बरेमा भिंडी। और बरेमा भिंडी, भिंडी तो वैसे ही पसंद है, बरेमा भिंडी और बनाएंगे तो लार टपकेगी, इतनी स्वादिष्ट भिंडी बनाएगी। का हाथ कैसा दिख रहा है? ओ भूत बन गया, भूत है, नौटंकी करता रहता है। और सोनी, अभी तो मम्मी ब्याह में गई है, और जब मम्मी शादी में थी आ जाएंगी, जब ते पायल की पता पड़ेगी मम्मी है पायल खो गई है, तो कैसी डांट पड़ेगी तेरे पे। अल्लाह करेगी मम्मी देख ली जल्दी जल्दी पायल होने वाला तो कंधे बनवा में पैसा तरे हैं जुलाला का चुभे ऐसे के सदा सा की आ जाएगी है। जल्दी तो जल्दी बनवा लो, देख रहे हो विवेक कैसे बोल रहा है, हम माँ को पता ना चले, जल्दी से जल्दी बनवा लो। एक मम्मी की मदद करवा रहा है आज तो, हाँ लहसुन कूट रहा है, देखो लहसुन का कचूमर निकाल दिया विवेक ने, एकदम मस्त कूट दिया है, और बारीक कर दिया, धीरे फोरे हो जाए, फूट जाएगा पत्थर को है, आराम आराम से। ये देखिए दोस्तों, सोनी कितनी बढ़िया मसालेदानी लेकर आई, सोनी दिखाओ मसाला फैला देगा तू, मम्मी को दिखाने दे, अभी सोनी दिखाएगी आपको, देखो मस्त है, मस्त जादू, वाओ कैसे निकल गए आए मसाले चारों तरफ से, हैं खुश हो गए, ये देखो जादू, वाओ। अभी सोनी मसालेदानी लाके खुश हो गए, ये वाली मसालेदानी को ना दोस्तों दिल्ली से लेकर आई थी सोनी, दिल्ली से। दोस्तों एक तो हम भिंडी चिरवा रहे हैं, इसके साथ में काम करवा रहे हैं, ऊपर से ये, और सुन रहो कि बगली में काट दी है, अच्छे से नहीं काट रहे हो, मसाला नहीं मैं भर पा रही हूँ, काम तो काम करवा ऊपर से, सुनो इसकी अच्छे नहीं करेंगे तो और करेंगे। अच्छा अच्छे ना कर रहे हम, नहीं कर रहे हैं, कोई कोई भिंडी कर देते हैं, दांत फारे बहुत बढ़िया आए थे हैं, अकेली लगी रहते जब भी बढ़िया रहते हैं, तो मार पर आऊंगा, मम्मी आया ना तो चूड़िया खोद दी तो मार पर आई डंडा थे, देख लग कैसे घरों में कांटे ने के डंडा थे मार परवाए ना मैं, हैं हाँ। दोस्तों अभी सोनी ना सब्जी तो बना ही रही है भिंडी की, लेकिन वो ना योगेश इसका मन बहुत ललचाता है, बहुत चट वो क्या बोलते हैं चटोरा है हमारा योगेश है जो, तो ये बनवा रहा है भेलपूड़ी, और भेलपूड़ी के लिए सोनी पापड़ बना रही है, ये वही पापड़ वैसे ही बना रही है जो शादी में बटते हैं, हाँ वही पापड़ है, एकदम आटे के ही पापड़ बनेंगे, लेकिन एकदम कड़क कुरकुरे इतना आएगा चाटने के लिए, तो साथ में लगा रहेगा मम्मी के, भले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाते रहो जो बोले। पूड़ी बनाने के लिए योगेश ने इधर कटिंग कर लिया है प्याज और टमाटर, हाँ और मिर्ची, मिर्ची भी डलेगी, एक इसमें डालने के लिए एकदम पतला बेलना, एकदम पतला, देख सकते हो कितना पतला पतला बेला है ये देखो एकदम पतला, मुंह दिखना चाहिए तेरा, मुंह दिख रहा है और क्या, देखो मच्छरों ने खा खा के कैसा हाल कर दिया ये, और ये मेरा विश्वास नहीं करती, इसको आज मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैंने जो रिकॉर्ड की थी इसकी मच्छर वाली, पड़ सीख गए दोस्तों, ये देखो डालते ही कितना एकदम कड़क, ये हमने हमारी शादी में खाए थे, जब हमारी शादी हो रही थी, शादी में बांटने के लिए बनाते हैं तो सोनी जद केत का है शादी माट देते थे पापड़ा केते और कहीं केते पूड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत कड़क बनेगा एकदम मस्त। ये विवेक क्या कर रहा है, विवेक के पास चल के देखें, आराम से कूलर की हवा में लगा हुआ है, कर क्या रहा है, हाँ ये क्या बनाया है तूने, हैप्पी बर्थडे, अच्छा वाह दोस्तों कैसा बनाया है कमेंट करके जरूर बताना, इसमें के लिए हैप्पी बर्थडे, और ये के लिए क्या है, मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे, किसके बर्थडे के लिए बना रहा है, हैं दोस्त के बर्थडे, दोस्त के बर्थडे के लिए। सोनी इसमें क्या क्या काट लिया है, जामा ये देखो, इसमें तो प्याज धनिया मिर्ची और पता नहीं क्या क्या, ये देखो कितनी कितने मस्त पापड़ बने हैं ना, इसके अंदर डाल दूं, ये देख अब बनेगी भेलपूड़ी, वैसे नॉर्मल खाते थे बनाते, आज सोनी के मन में आ गई चलो बनाते हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है,
पापड़ ऐसे होने चाहिए एकदम बहुत बढ़िया। अरे हो रही है अपन कुछ भी करे, मैं थोड़ा सा भी मजाक कर दे तो इसका मिर्ची लग जाती है। मिर्ची अभी इसमें लाई डाल दी ये वाली, और इसको मूढ़ी भी बोलते, मूढ़ी 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 बुला ला के बना, जैसे बनाते ठीक भाई हो। ये तो गिरेंगे नीचे। ऐ साल भाई हमारा बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आ जाइए खाने के लिए भेलपूरी। दोस्तों हमारी भेलपूरी बन गई, इसमें चाट मसाला डाल दिया है, अमचूर पाउडर डाल दिया, नींबू तो हमारे पास नहीं था, नींबू डालना जरूरी था लेकिन नींबू नहीं, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। अभी कर लीजिए फिर मैं खाता हूँ आपको स्वाद बताता हूँ, है ना। और ये देखो भेलपूरी, भले ही नींबू नहीं डाला है लेकिन ये देखो कितनी मस्त है, ये देखो है ना गजब की। खा के बताऊँ, नींबू की जरूरत नहीं है। कह रहे खट्टी है गई, मस्त बनी है। नींबू ड्रावा का कैसे लग रहा है, नींबू डला हुआ है इसके अंदर। लेना देखो अम्मा के लिए पहुंचा, मैं अम्मा नीचे बैठी है, अम्मा का रिव्यू लेते हैं, कैसी बताएंगी अम्मा जी हमारी। अम्मा भेलपूरी कैसी बनी है? बढ़िया बनी है, मस्त बनी है। हमारी अम्मा बोल रही है ऐसे ही बनाता रहता है, पता नहीं क्या क्या बढ़िया बनी है। राम राम कर लो, राम राम भाई साहब से गन्ने को, राम राम जन बच्चाते, राम राम सबको आशीर्वाद दे दो, भगवान को बढ़िया राखियो, ईश्वर मेरी परमात्मा खुशी बनी रहे। मेरी भेलपूरी चोरी कर ली हाँ, तो जा मैं खा रहा हूँ, मैं कटोरा क्यों ले लावा। दोस्तों अभी हमारा खाना बन रहा है, अभी रोटी बनाई सोनी ने गैस पे, क्योंकि बाहर काफी धूप है आज। कितनी गजब की बनाई है भिंडी, बरेमा भिंडी बनाई है सोनी ने आज, गजब। सोनी क्या कर रही है दोपहर में? मट्ठा, मट्ठा सुबह सुबह करो या तो दोपहर में करो या तो हाँ, सब दुनिया तो दोपहर दिन में कर, सुबह सुबह कर लेते हैं, उसका दोपहर में टाइम मिला है मट्ठा करने का। बहुत देखो कैसी धूप पड़ रही है बाहर, और गर्मी के मौसम में सोनी ने लस्सी तैयार कर दी, जो छाछ बनाई थी ना उसमें से मक्खन निकाल लिया, और ये मट्ठा है, मट्ठा में चीनी बुरा डाल के, और ये रूप जा बॉटल डाल के मस्त वो लस्सी बनेगी अभी, गजब। मैं अपने लिए डाल लो। तो अभी लस्सी पीने पी लीजिए। हाँ मेरे लिए भी डाल दो, एक ढक्कन डालना। ये देखो रूप जा, गर्मियों में बहुत ही बढ़िया लगता है। अम्मा देखिए गिलास, अम्मा को पहुंचा दे। दोस्तों सोनी ने लस्सी तैयार कर दी, ये देख सकते हो रूप जा डाल के एकदम बढ़िया बना दिया है, तो आप भी पी लीजिए, और अभी हम पीते हैं बहुत गर्मी में, यही सबसे बढ़िया है हमारे गांव का, तो फेवरेट है लस्सी, सुबह या शाम या दोपहर कभी भी मिल जाए लस्सी मिल जाए। दोस्तों अभी सोनी के थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा जाड़ा फूका करवा के लाता हूं। कुछ दवा वगैरह भी दिलवा के। मैडम जी चलो, हेलो हाँ समझा दे, तो घर रहेंगे आराम से, चलो कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सही ना बता रही। देखो विवेक के लिए चप्पल लेकर आए तो बोल रहा है मेरी चप्पल टूट गई है, मेरे को भी दिलवाओ। अब इसकी तो चप्पल अभी सही है, टोर मान लिया मैंने नई के चक्कर में, देख ले विवेक एक साल बाद आई है विवेक की चप्पल, विवेक के लिए नई चप्पल लेकर आए थे, हाँ 120 रुपए की आई थी ये वाली चप्पल विवेक के लिए, पहले भी पहले तो लाया जी योगेश को ना, यही नहीं मेते तो है भाई, हां इतनी क्या होते है मजा बैठियो, इतने को महंगी चप्पल दे रहे हो भाई। अम्मा बोल रही है इतनी महंगी चप्पल आ रही है, चटोरी है ये, चाट चाट कर आई है।
वो दही वाले गोलगप्पे खा के आई है। देखा जो आम लेके आए हैं, आम को जूस बनाएंगे अभी, आम को जूस पी ली। चप्पल खोएंगे कितने दिन आप पीछे आएंगे मालूम, उतनी जगह चप्पल लाए। देखा जो देख रही थे चप्पल, हाँ देख नीचे रखी चप्पल, हाँ मैं नीचे रखी हूँ चप्पल, रखी रहता तहीं देख पैर के सही बनी है का। अब कितने दिन चलेंगी ये चप्पल, कितने दिन चलेंगी चप्पल हैं? और पहली चप्पल कितना चलाई थे ना, एक महीना वो खोई देंगे कराया था जब दोनों के लिए लाया था, दो जोड़ी हो गए 7-8 महीना, सात आठ महीना हो गया। तो इसने सिर्फ 15-20 दिन चलाई थी, उसके बाद में एक चप्पल पहन के आया घर पे और एक चप्पल को कहीं खो के आ गया। जब से इसकी चप्पल अब आई है वो चप्पल अभी भी रखी है, जब से पहन रहा था कभी अम्मा की कभी मम्मी की, ऐसे पहन के टाइम पास किया। यही सजा मिली थी इसको कि अब की बार चप्पल खोएगा तो फिर अब की बार 1 साल बाद आएगी। हाँ यार आ गई हो, अब की आंगी नहीं, फिर आज बच्चों के हाथ की रोटी खाएंगे दोस्तों। देख सकते हो विवेक और योगेश दोनों बना रहे हैं। हमारे घर में लड़की नहीं है तो इन्हीं को लड़की बना देती है सर। अच्छा है अपने आप बनाना खाना, हाँ सही बात है। बच्चे पढ़ाई लिखने के लिए पढ़ने के लिए दूर गए, भविष्य में कोई चांस बना तो अपने आप बना के तो खा लेंगे। अच्छा है हाँ तो अपने आप बना के खाएंगे। तो मम्मी पापा ने कहा जमा दे कर बनाए गए ऐसे रोज में रोटी रोटी बनाई है विवेक ने। कहा है रोटी कौन बनाई जी, कौन बनाई विवेक ने बनाई मैं से ते जी रोटी नो का करे हो खावेंगे कौन है काजे बनाएंगे जी रोटी अपनी के हैं अपनी का। दोस्तों अभी हम खाना खाते हैं और हमारी अम्मा जी भी, अम्मा ने खाना खा लिया क्या, अभी खा रही हैं, खा रही हैं। चलो हम भी खाते हैं। सुबह की हमारी वो रखी है भिंडी की सब्जी बनाई थी, बहुत सुपर टेस्टी है। तो अभी इस समय 11:15 बज रहे हैं और सोनी तो सो गई। देखो आज तो मच्छरदानी ओढ़कर सो रही है, अभी मच्छरदानी को अच्छी तरीके से लगाऊंगा जब से, एक बार इसको जगाऊंगा। सो गई है ना, उधर हमारा योगेश भी सो गया, विवेक जग रहा है लेकिन मेरे साथ में। मैं अभी क्या ना वीडियो एडिटिंग में लगा हुआ था, वीडियो एडिटिंग कर रहा था कल के लिए, क्योंकि आपके लिए जब तक वीडियो तैयार नहीं होती है मेरे को भी नींद नहीं आती भले कितना भी टाइम हो जाए। इधर विवेक तो जाग रहा है अभी, देखो साथ में लगा हुआ है, मोबाइल चला रहा है। हैं जब से क्या कर रहा था, पढ़ लिया मोबाइल का लॉक खुला हुआ है तो फिर क्या चला रहा हूँ मैं। योगेश सो गया इधर, लॉक पता पड़ गया है तेरे को। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।